तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी। तुम्हारी वजह से मेरी दादी मर गई है। पल्लू इधर आ, चलो बैठ जाओ। वहाँ किससे बात कर रही थी? भूत से कर रही थी, भूत है वहाँ पे। मेरे साथ कॉमेडी मत करना बाबा। अभी आती हूँ, संभल के रहना आप। भूत है, तुम जाओ ना। भूत है, अरे कोई बचाओ, कोई है क्या इधर? भूत है, मुझे कोई बचाओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशिति हूँ लोक उजागर, राम दूत। बंगला बहुत अच्छा बनाया है, सुपर क्लास, बहुत ही अच्छा बंगला है। लेकिन इस बंगले को बेचा क्यों होगा? अरे बच्चे कहाँ चले गए? अरे कहाँ हो तुम लोग, जल्दी आओ। आओ आओ जल्दी आओ, आओ जल्दी आओ। सुभाष, इट्स मी। वाओ यार, ये घर कितना अच्छा है। ये है मेरा परिवार। इस बंगले को खरीदना पिताजी का सपना था और आज वो सपना पूरा हुआ। क्या हुआ जी? जीजा, आरती तो लीजिए, आप भी लीजिए। देखा, जीजा जी को देखो। हाँ, उनसे तो कुछ सीख लो। हे भगवान, हैप्पी हैप्पी खाओ, खा लो। खाओगे या नहीं? नहीं खाओगे ना तो भूत को बुलाऊंगी। गुड बॉय। क्या यार, कितना कचरा है। अरे ये अभी क्यों आ रहा है? कैसे हैं आप? बहुत दिन हो गए। नमस्ते। बंगला कैसा लगा आपको? और आप कैसे हैं सर? मैं भी ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? मैं तो फर्स्ट क्लास हूँ सर। सर मैं आपके लिए एक अच्छा ऑफर लेके आया हूँ। वो क्या है? आपको घर खरीदे हुए 2 ही महीने हुए और आपके घर के लिए डबल रेट आ रहा है सर। अगर आप ओके कहे तो अभी डील करवाता हूँ मैं। मैंने घर बेचने की बात की क्या? आप शांत रहिए। देखा, मेरे पिताजी इस बंगले से बहुत प्यार करते हैं और मेरे मामा जी भी मेरे पिताजी से बहुत प्यार करते हैं। मेरे मामा जी मिनिस्टर के पीए हैं। ए छुप मत, छुप मत। अरे ये चुड़ैल मेरी जान ना ले ले, कहीं टीवी से निकल के। ये है मेरे चाचा जी, बस नाम के पुलिस है। घर में तो ये कॉमेडियन के भी बाप है, हमेशा नाचते गाते रहते हैं। सिंपल में कहा जाए तो हमारा परिवार एंटरटेनमेंट से भरा हुआ परिवार है। अबे तेरी तो फूल अच्छा है, रख लेता हूँ।
हेलो। अरे फोन लग गया। भाई मैं इस वक्त अभी अस्पताल में हूँ, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, आप मुझे बाद में फोन करना। बाय 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 बाय। अपने सर की पट्टी और चश्मा निकाल के अपनी शक्ल तो दिखाना। आखिर आ ही गया, सामने आके बात कर सकता है ना, पीछे से क्यों आया। ये कौन है मिस्टर परफेक्ट? मेरा होने वाला साला और तेरा भाई। अच्छा हाँ, वो देख मजनू का भाई भी आ गया, हाथ में किताब और फूल लिए। ये लोग कौन है यार? जैसे ही बेबी आएगी ढिंचक ढिंचक म्यूजिक शुरू हो जाएगा। हाँ इसीलिए आए हैं वो। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या है कि हम थोड़ा हवा खाने बाहर बाहर वो हवा खाने घूमने आए। घूमने आए? इतनी अच्छी दिखती है क्या? बहुत ही ज्यादा अच्छी दिखती है भाई। आगे से करीना और पीछे से बिपाशा। ए बस कर, साइड से सनी लियोन दिखती है क्या? ए, 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 ए। ये सब तो तू बचपन से बोलता आ रहा है, जरा एक बार याद कर कैसी लगी लड़की। आइटम अच्छी नहीं है, थोड़ी मोटी है ये। ए, पब्लिक में रोमांस करेगा? अरे गार्डन फुल है ना, तू लड़की की हाइट से आधा है। स्पेस, स्पेस अच्छा है। तुम जैसे समझ रहे हो वैसी नहीं है। सुबह सुबह खिला हुआ फूल जैसी लगती है। ओ, लाखों तारों की रोशनी उसके अंदर भरी हुई है। ए, 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 ए। सुधर जा, तू सुधर जा, ये सब छोड़ दे। तू लड़की हॉलीवुड होनी चाहिए, बॉलीवुड होनी चाहिए, टॉलीवुड होनी चाहिए। अरे तेरे सारे वुड्स को मिला के ना फेयरनेस क्रीम जैसी लगती है वो। म्यूजिक स्टार्ट। कमाल है यार, नाम फिर से बता। वेनिला। वेनिला 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 वेनिला। बाइक निकालो, कम ऑन लेट्स गो। ए, ये बेबी कौन है? तुम कौन हो? मेरे सवाल का जवाब दो, ये बेबी कौन है? मेरी दीदी की बेटी है। ऐसा, एक काम करो एयरपोर्ट चलो। एयरपोर्ट क्यों? फ्लाइट नंबर। कालिया फ्लाइट नंबर क्या है? फ्लाइट नंबर मुझे क्या पता है यार। फ्लाइट नंबर 111-2। ट्रिपलेक्स वो तो साइट है। फ्लाइट नंबर 111-2-3-4 मुंबई। मुंबई के? मुंबई का बॉस एरिया बांद्रा है, वहाँ पर जाकर करीना कैटरीना विपाशा से मिलके कहना कि कभी बाबू को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि बाबू को एक लड़की पसंद आ गई है और बाबू के ड्रीम्स में वो कभी ना आए। जो क्या बोल रहा है, तुझे समझ में आ रहा है क्या? ये बाबू कौन है? वो बाबू मैं हूँ और वो लड़की तुम। आई लव यू। Idiots.
जाना मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे तो बहुत मजा आया। अच्छा ये बताओ जूनियर हीरो सिद्धू कहाँ है? सही कहा, अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था, जरा फोन करके देखो। फोन करो फोन करो। कहाँ गए थे बताओ? हाँ, ना बताओ बताओ ना। कहाँ गया था? हाँ बताओ कहाँ गया था। बेटिंग बाप जी, बेटिंग के ब्रांड एम्बेसडर की तरह हूँ मैं। बाप जी, तू क्या कर रहा है? अपनी हरकतों से बाजा और हाथ रख। से प्यार करता है कि नहीं? तू कभी सुधरेगा नहीं। ए तेरा नाटक बंद कर, बैठ क्या है बता। मंदिर जाने वाले रास्ते में वहाँ के एक गुफा में एक कामेश्वरी नाम के औरत की समाधि है। तू उसके अंदर जाके अगर समाधि के साथ 5 मिनट लेट के बाहर आ गया ना तो मैं तुझे 5,000 दूंगा। बस इतना ही नहीं भाई, तू मुस्कुराते हुए अंदर जाएगा और मुस्कुराते हुए वापस आएगा। अगर तेरे बाल बिखरे हुए होंगे, पैंट शर्ट फटा हुआ होगा तो तुम्हें मुझे 10,000 देना होगा। समाधि पर लेटना है, ए हटना। और सिर्फ 5-6 मिनट ना? हाँ सिर्फ 5 मिनट, यही तेरी शर्त है ना? बिल्कुल। वॉच मी। तुम कितना हाथरा दूंगा एक है। बस करो नाटक, रात में समाधि में लेटना, रात में शमशान घाट में घूमना बड़ी बात नहीं है। सच में हमारे गांव में क्या हुआ जानते हो? आधी रात में एक आदमी बस से नीचे उतर के चलता रहा चलता रहा। चल वो आदमी कैसा होगा? वो लंबा सा हैंडसम, मेरी तरह एकदम एकदम स्मार्ट। ठीक है तुम ही समझ लो। सुनो सुनो आगे क्या हुआ। ए, रुको, रुको, रुको। यारे तुझे देखे हुए बहुत दिन। अरे क्या बात है, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रात दिन से क्या फर्क पड़ता है यार, वो झोपड़पट्टी जल गई थी ना उसी में हम लोग जलकर मर गए थे। संभल के रहना, मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। ए राजू कैसा है तू यार? तुझे आखिरी बार देखे बिना मेरी मौत हो गई रे। अभी तुझसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुमने पी रखी है क्या? नहीं नहीं पिया नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ रे। क्यों? पीने के बाद मुझे नहीं चढ़ती। क्यों भाई? मैं मर गया हूँ ना। अरे यार एक बात बताना भूल गया मैं तुझे, वो तूने रमेश से पैसे लिए थे ना? हाँ। वो मर गया, मरने से पहले तुझे याद कर रहा था, रास्ते में दिखेगा संभल कर रहना। अच्छा ठीक है मैं निकलता हूँ। तुम जाओ जाओ। दिमाग खराब कर रहा है। तुमने मुझे मारा क्यों? क्यों रे? ए तू हम लोगों से डर क्यों नहीं रहा है रे? तू डरा क्यों नहीं? इतनी हिम्मत तुझमें कहाँ से आ गई बे? तुम लोगों को एक बात बताऊं, मैं बस से उतरने वाला था तभी बस का एक्सीडेंट हो गया, सबके सब मारे गए, मैं भी मर गया। ए, बस करो, समाधि में लेटना, आधी रात को रोड पे चलना, ये सब कॉमेडी भूत करते हैं। मैंने सुना हुआ एक सच्ची भूत की कहानी बताती हूँ। हाँ सुना सुना सुना। सीतामा गांव में कावेरी नाम की एक औरत रहती थी। कैसी दिखती थी? लंबी थी, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे लंबे बाल। ए अच्छी तरह से बताना, हमें भी कल्पना करना है ना। ठीक है तेरे जैसी होगी। ए मेरे जैसी नहीं, मेरे जैसी नहीं। हम सब भूत और तुम बड़ी हीरोइन हो क्या? बिल्कुल तुम्हारी तरह होगी वो। ठीक है ठीक है। उस कावेरी औरत के 2 बच्चे थे, वो बच्चों को ही अपनी दुनिया समझती थी, लेकिन उसका पति हमेशा चोरी करता रहता था। छी क्या जिंदगी है तुम्हारी, क्यों जीते हो ऐसे? चोरी करके हमें पालने से अच्छा है तुम किसी पेड़ में लटक के खुदकुशी कर लो। मेरी किस्मत खराब है जो तुम मिले, जाओ यहाँ से। कावेरी की बातें सुनकर वो दुखी हुआ। शराब के नशे में उसने पेड़ पे फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। ये सुनकर कावेरी दौड़ती हुई अपने पति के पास आकर बिलख बिलख कर रोने लगी। अरे मैंने ही अपने पति को मार दिया है, ऐसा कह के वो जोर जोर से रोने लगी। अरे मैंने खुद ही अपने पति को मार दिया,
अब मेरा और मेरे बच्चों का पालन कैसे करूंगी? ये सोचकर कावेरी जहर लाकर खाने में मिलाकर दोनों बच्चों को खिला दिया और खुद भी खा लिया। उसके सामने उसके बच्चे की मौत हो जाएगी ये सोचकर, अरे मैं अपने बच्चों को खुद ही मार रही हूँ, किसी तरह इन बच्चों को बचाना होगा ये सोचकर वो इधर उधर पानी ढूंढने लगी। उसे मटके में पानी मिला मगर उसके हाथों से मटका टूट गया। और अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों की मौत देखकर कावेरी ने भी अपनी दम तोड़ दी। इस तरह मरी हुई कावेरी प्रेत आत्मा में बदल गई। वो अपने मरे हुए पति के कपड़े पहनकर लंबे बालों में भयंकर आवाज के साथ सड़क पे घूमती रहती थी। किसी भी घर में बच्चा रोए तो उसे मारकर वो अपने साथ ले जाती थी। और जब ये बात गांव वालों को पता चला तो गांव वाले अपने घर के बाहर ओम भूम स्वाहा घर पे मता ऐसा लिख के रखते थे। ए, क्या कर रहे हो तुम लोग? आधी रात को ये सब सुनते रहते हो? बंद करो ये सब, चल रहे छोटू। ए पद्मा, तू अपने घर जा। दादी माँ, क्या सच में भूत होता है क्या? क्यों छोटू, बताओ ना। जहाँ अच्छा होता है वहाँ बुरा भी होता है, उसी तरह भगवान भी होते हैं और भूत भी होते हैं। तुम्हें कैसे पता? तुमने कभी देखा है क्या? भगवान को किसने देखा है, लेकिन वो सब जगह पे विराजमान होते हैं बेटा। ठीक उसी तरह भूत भी है, ये लोगों का विश्वास है। तो फिर भूत भी क्या कहीं पे भी हो सकते हैं क्या? हाँ बाबू। तो भूत कहीं पे भी होते हैं ना? हो सकता है। तो क्या भूत उसमें भी हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। और फिर अपने पास इस टेबल पे भी हो सकता है क्या? हाँ। तो क्या उस पेड़ के ऊपर भी हो सकता है क्या? अभी तेरी माँ बुला रही है, जा बेटा जा सो जा। हैप्पी खाना खा लो। नहीं, तुम खाओगे या खुद को बुलाऊं? तू बोला पर नहीं तो मैं खुद बुलाऊंगा मम्मी। सिद्धू तुम जाओ। ए तुम सो जाओ, चुपचाप सो जाओ। देख इस बंगाल टाइगर के हाथों का कमाल।
क्यों रे बंगाल टाइगर, कहाँ गया तेरे हाथ का कमाल? कल रात मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे पेड़ के नीचे बैठकर बुला रहा है। मैं तो समझ गया भाई, दादाजी को मरे हुए बहुत टाइम हो गया है ना, इसीलिए बुढ़िया उसी के पीछे जाना चाहती है। ये तो ठाट की तरह बनी हुई है, ठूस ठूस कर यहीं पर बैठी गई है, इसीलिए दादाजी भूत बन के आके। चल हट पागल कहीं के, इस घर का खाना खा खा कर मोटा हो गया, अकल भी मोटी हो गई तेरी। बेकार की बातें करता रहता है। क्यों रे सिद्धू, तू लैपटॉप में क्या देख रहा है? देसी गर्ल या पॉर्न मूवी है? रोज रात को एक आवाज मुझे डिस्टर्ब करती रहती है। डिस्टर्ब? और हमारे घर के सामने कोई कब्रिस्तान भी नहीं है, है तो सिर्फ एक महल यहाँ पर। उस आवाज का उस महल से कोई संबंध है क्या, यही चेक कर रहा था। तुम रिसर्च के लिए लैपटॉप देखते रहो, और तेरी वाली को तेरा भाई पटा लेगा। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, वैनिला हमेशा मेरी रहेगी। तू एक नंबर का बेवकूफ है, आज तक तूने कभी किसी लड़की को पटाया है क्या? अगर पटाया तो जरा मुझे भी बता। तूने कभी बैट जीता है क्या? तूने कभी लड़की पटाई क्या? तूने कभी बैट जीता है क्या? तूने पटाई क्या? तूने जीता है क्या? बता। छे। मेरे दोस्त, बातचीत से कभी बैट मत लगाना, वो हमेशा जीत जाता है, जीत जाता है। क्या है? मैंने कुछ लीड दिया था, कवर करो कवर करो। मुझे सब पता है ना, जा तू ही देख ले। बाबजी बैट क्या है क्या तुम जानते हो? बता। तुम्हें प्रेमियों का अलग करने के लिए एक करेक्टर प्ले करना पड़ेगा। मिलना मुश्किल है लेकिन अलग करना आसान है। कितना का बेटा बताना? 10,000 रुपए। 10,000? तब तो मैं रेडी हूँ। तू बहुत ज्यादा उछल रहा है। हाँ, एक बार ऊपर तो देख, अभी नीचे देख। आए गेटअप सेटअप तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब तुम कॉन्सेप्ट बताओ, मैं कनेक्ट हो जाऊंगा। वेनिला, वेनिला, मैं उसे बहुत सच्चा प्यार करता हूँ। मैं उसे प्रपोज करने जाने ही वाला था कि बीच में भाई रावण आ गया, मुझे रोका और खुद ही शुरू हो गया। ए, तू इस फिल्म का हीरो है और तेरे साथ हीरोइन नहीं है, तू अपने स्वार्थ के लिए अपने भाई का प्यार तोड़ रहा है ना? ए, उसका प्यार कोई सच्चा प्यार नहीं है। आज वेनिला करेगा, कल शकीला करेगा। शकीला? मैं वेनिला की आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। ठीक है, इसलिए पहले ही कट कर दूंगा। क्यों? अच्छी तरह समझ रहा हूँ, अब तू अपने भाई के लव को बर्बाद करने के लिए किसको बकरा बनाना चाहता है? पांडे जी। वो पांडे जो टिंगू तुम्हारे भाई के साथ घूमता रहता है, वो तो मुझे देखते ही पहचान लेगा यार। इसलिए तो ये लाया हूँ, पहन लो। अरे बाबजी, बाबजी कहाँ है? चश्मा पहन दे, ये मुझे पहचान नहीं पा रहा है। अरे कहाँ हो? हे बाबजी, कौन है भी तू? हे फिर बाबजी। ओके भाई, बैट बैट होता है, लव लव होता है, बोल देता हूँ। मैं अपनी बैट जीतने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। या मैं रेडी हूँ, जेपी जेके बाबा। अरे चल चल पांडे, चल चल पांडे। हाँ छोड़, कहाँ लेके जा रहा है मुझे? जो मांगोगे वो मुराद पूरा करने वाले नए बाबा जी आए हैं। 6 महीने से ट्राई कर रहा था, 2 महीने में सेट करा के 3 महीने में शादी करवा देगा, अगर तुम कॉन्सेंट्रेट करोगे तो। वेनिला बाबा जी। पांडे पांडे, मैं 6 महीने से ट्राई कर रहा था, बाबा ने 2 महीने में ही सेट कर दिया। मैंने तो कितनी लड़की देखी, कोई सेट नहीं हुई, बाबा के आशीर्वाद से सब सेट हो गया। महान है बाबा। क्या रे, तू भी बाबा के पीछे पड़ा है क्या? सबसे पहले आया हूँ, पहले मैं मिलने जाऊंगा बाबा। ऐसा नास्तिक भी इंतजार कर रहा है, मतलब बाबा जी साधारण नहीं है। वो बाबा जी कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है बाबा? जेपी जेके बाबा की, जेपी जेके बाबा की। एक पंच मारूंगा, दांत टूट जाएगा। चला बाबा, बाबा मैं आपका सबसे बड़ा भक्त पांडे हूँ बाबा, और सबसे पहले मैं ही आया हूँ बाबा। ये बकरा तो बहुत तेज है, जरा इधर आ बेटा। थैंक्स बाबा। तुम्हें जो भी चाहिए मांग लो। एक बार आप अपना चश्मा निकालिए बाबा, मैं आपके आँखों के दर्शन करना चाहता हूँ बाबा। मैंने चश्मा निकाल दिया तो ये पहचान जाएगा क्या? निकाल ही देता हूँ, निकाल रहा हूँ, निकाल दिया। बाबा आपको कहीं तो देखा है मैंने। जेपी जेके बाबा की, सबके मन्नत पूरी करने वाले जेपी जेके बाबा की। हाँ मैं समझ गया, समझ गया, आप बाबा ही हो, आप बाबा ही हो। अरे बाप रे, पांडे ने तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचाना। बाबा जेपी जेके मतलब क्या है बाबा? झटपट जादू काका। जीत मुझे पता है, पट मुझे पता है, ये झटपट जादू का क्या होता है बाबा? चप्पल निकाल के मारूंगा ना तो सब समझ में आ जाएगा। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट। ओ बैट, तुम्हारा नाम पांडे और तुम एक लड़की से प्यार करते हो। हाँ बाबा, हाँ हाँ बाबा, हाँ बाबा की जय हो, जय बाबा की जय। लड़की लड़के से प्यार करती है, लड़की से नहीं। हाथ हटा। तुम जरा इधर घूमना। तू जिस लड़की से प्यार करता है उसका नाम वेनिला है, और तू उसे पटाना चाहता है, यही ना बाबा? अरे उसे तो कब का पट जाना चाहिए था,
मगर इतनी देर क्यों लग रही है जानते हो? क्यों बाबा? बता रहा हूँ ना, शुक्र निच भाव में, शनि उच्च भाव में, सोम मंगल बुध गुरु पता नहीं मिलके क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों, आ गई ना बात समझ में? क्या बात कर रहे हो बाबा? तू अपने पिछले जन्म के किए पापों का प्रायश्चित कर रहा है इस जन्म में। वो क्या है बाबा? तुम अपनी दृष्टि को जरा ऊपर घुमाओ। कौन दिखाई दे रहा तुम्हें? वेनिला दिख रही है बाबा। क्या कर रही है? साड़ी ठीक कर रही है, अपने गहने ठीक कर रही है, हाथ तोड़ रही है, और वो फोन वो तो सेल्फी ले रही है बाबा। देखा, असल में सेल्फी की शुरुआत इन्होंने ही की। ऐसा क्या? देख ले, ठीक से देख ले। स्वामी, साष्टांग प्रणाम कर, जल्दी कर। आप देखिए स्वामी, आप देखिए। जय वेनिला देवी जी, जय वेनिला देवी जी। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ऐसा ठीक नहीं लगा। अच्छा देखो, तुम वापस करता हूँ, देखो। जय वेनिला देवी जी, जय वेनिला देवी जी। ये तो आंख मार रही है मुझे। ऐसे भी नहीं, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। जय वेनिला देवी, जय वेनिला देवी। समझ गया ना? हे भगवान, तुम्हारा पूरा ध्यान उसी लड़की पे टिका हुआ है, मगर इसे रोकना पड़ेगा क्योंकि वो तुम्हारे मार्ग की बाधा है। 2-3 साल तक उससे अलग रहना पड़ेगा, समझ गए ना बात? इधर आओ। 2 साल ठीक है ना? चल ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे। 3-4 सालों तक उसे प्यार मत करना, तब जाके वेनिला तुम्हारी हो जाएगी। अब देखना बाबा, पांडे का पावर मैं कैसे दूर ले जाता हूं। हेलो बापू, क्या फूल है? सूरत में आता हूं। इतना क्या सोच रहा है? अरे अरे नहीं नहीं नहीं, अरे मत सोच, मत सोच, अरे मत सोच, अरे नहीं बाबा, फुल बॉटल है। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे ऐसा मत, नहीं नहीं। अरे फिर मेरे बेट का क्या होगा? बेट? अरे इन सबको पैसा देना है। पांडे, हाँ, डाल दिया मैंने। डाल दिया? मुझे तो पता ही नहीं चला। अब मैसेज डाला है। मैसेज डाला? सुपर सुपर। बेटी, हैप्पी कहाँ पर है? यही था ना। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी। कहाँ गया था तू? चल सो जा। hey! तू यहाँ पे क्या कर रहा है? चल अंदर। हाय पांडु। हे भगवान, भूत ने किसको पकड़ा है ये पता नहीं। ये बंगला ही भूत बंगला लग रहा है।
कॉल्स और मैसेजेस के रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो? देखा नहीं। ऐसे क्यों? ऐसा ही है। नहीं चाहिए। पप्पी, अरे यार मान जा यार। मैं तीन तक गिनूंगी। अगर तुम चाहो तो खुद मांग लेना। One, two, two and a half, three. चाहिए चाहिए चाहिए। Yes. तुम इतना शर्माते हो। तो आगे कैसे होगा? ठीक है, लेकिन one condition. यहाँ वहाँ पार्क में, स्ट्रीट पे, सिनेमा हॉल में मैं किस नहीं करूँगी। इस महारानी को किस करने के लिए एक अच्छा लोकेशन, एक अच्छा फील होना चाहिए, तभी किस होगी। बाय सुभाष। यस। ये तो खून है सर। देखो किसी जानवर का होगा। लेकिन जानवर तो नहीं दिख रहा है। हाँ, चलो 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 सब लोग चलो अंदर। ऐसे दू चल अंदर, सुना नहीं क्या? क्या है माताजी? ये सब कुछ देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। क्यों ना हम लोग कुछ पूजा पाठ करवा ले। माँ जी सही कह रही है जी, क्यों ना पूजा पाठ करवा ले। हाँ बेटा, क्या करें? बैठ कर बात करते हैं। हाँ। चलिए कैसे करूं, कैसे, कैसे करूं? मेम साहब, हमारे गली के कोने में एक बहुत बड़े स्वामी जी हैं। कौन है वो? राम जोगी शास्त्री, उनको बहुत लोग मानते हैं। अगर हम लोग वहाँ जाएं तो हमारी समस्या दूर हो जाएगी। चल, घर में सब भूतों की तरह लगते हैं मैम साहब। माँ जी आप ही इन्हें समझा सकती हैं। हाँ चलना बेटा। हाँ अंकल जी, उनका तो बहुत ही बड़ा नाम है। उनका बहुत बड़ा नाम है अंकल जी। आप जाइए ना प्लीज 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 जाइए ना अंकल जी। अरे तू क्यों पंगे ले रहा है? हाँ हाँ चाहिए चाहिए, चलिए सब लोग अंदर चलिए। मान भी जाइए ना, चलो ना बेटा। सब जाइए, चलो चलते हैं। ये तूने क्या कर दिया यार? अरे यार, घर में सब लोग बाहर चले गए हैं। हाँ, हमें लोकेशन मिल गया है। हाँ, वो कोई समथिंग स्पेशल प्लेस में ही देगी बोली है, इसीलिए गाना बजा रहा हूँ। अरे वाह, क्या दिमाग पाया यार, तू सच में जीनियस है। चल शुरू कर। दे दे यार। मजा आ रहा है, अच्छी तरह बजा यार। ए, ये तुम्हारा नहीं है, मेरा है। ओ, ओ, ओ क्या बजा रहा है, टूट जाएगा ना। ए, ये सब क्या है? तू यहाँ क्या कर रहा है, गया नहीं? ए, मैं स्वामी जी के पास जा रहा हूँ, आओगे क्या? स्वामी वामी पूजा पाठ, मैं इन चीजों पे सीरियस नहीं नाम की चीज ही नहीं तुम्हें। प्यार, वेनिला, ये सब करने की क्या जरूरत है? अरे सीरियस हो गया यार, इसको तो सीरियस होना भी आता है। हाँ। नहीं सुधरेंगे कभी। कैसी लगी यार? परफेक्ट। हरिओम हरिओम हरिओम। दिखाई न देने वाली हवा आंखों के सामने घूम रही है। एक तो भटक रहा है, दूसरा शांत कर रहा है। इस शरीर में जान रहे तो इंसान, ना रहे तो वो है आत्मा, सोल, वही है दवा। अगर जिंदा रहते वक्त उसकी इच्छा, उसकी आशा पूरी ना हुई हो तो वो भूत बन जाते हैं, वो आत्मा। इच्छा पूरी ना होने पर, यानी कि उसकी अंतिम इच्छा और ना छूटने वाले बंधन उसे बांध के रखते हैं, और ये सारे बंधन हवा की तरह यहाँ वहाँ भटकती रहती है, भटकती रहती है। और वही हवा भूत, प्रेत, आत्मा और पिशाच में बदल जाती है। उस हवा से तुम लोगों ने पंगा लिया, उसे तुमने बुलाया, उससे रिश्ता बनाया, और अब वो हवा आपके साथ, आपके घर में, आपके आसपास ही रह रही है। क्योंकि किसी भी आत्मा को रहने के लिए एक जगह चाहिए, और तुम लोगों ने उसे जगह दी है। मैं एक डॉक्टर हूं, भगवान और भूत को नहीं मानता।
भगवान पर जितने लोग विश्वास करते हैं उतने लोग ही भूत पर भी विश्वास करते हैं। आप फालतू बातों से हमारे परिवार को डरा रहे हैं। हम जा रहे हैं, चलो चलो माँ चलो। जीजाजी रुकिए। जाइए, लेकिन जीजाजी आपके घर में जो आत्मा है वो कोई साधारण आत्मा नहीं है। अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो हर रात वो आपको परेशान करेगी, हालात और बिगड़ेंगे, वो बहुत ही खतरनाक है, वो जान लेकर जाएगी। सब लोग सावधान रहना, सावधान रहना। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ विनीला, क्या हुआ? बड़ी बड़ी आंखें मुझे घूर रही है, मुझे मुझे देख रही है, हमें देख रही है। रुको मैं देखता हूँ। तुम मत जाओ, चलो यहाँ से जाते हैं हम लोग। मैं देखता हूँ ना, चलो यहाँ से चलते, जल्दी चलो। सुनिए जी, वो पंडित जी क्या बोल रहे थे मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। वो एक पागल है, जाने दो, उसकी बातों पर क्यों ध्यान दे रही हो तुम। चलो अंदर चलो माँ, चलिए तुम भी चलो, जाओ अंदर चलो, तुम भी चलो। सर आप इस वक्त? हाँ, क्या बात? बैठ कर बताता हूँ। बैठिए। उस घर में कोई खतरनाक घटना घटी थी क्या? जहाँ तक मैं जानता हूँ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पिछला मालिक घर खरीदने से पहले वहाँ पे शूटिंग या फिर उसे गेस्ट हाउस की तरह इस्तेमाल करते थे, बस इतना ही था। उसने वो घर किससे लिया था? आपके जो जीजाजी है ना, उनके पिताजी के पास से ही इन्होंने वो घर खरीदा था। उस घर और जमीन के बारे में कुछ और मालूम हो तो बताइए ना प्लीज। वहाँ किसी राजा का संस्थान था इतना पता है। अब आप जिस घर में रह रहे हैं वो भी राजा के संस्थान में ही आता था सर, इससे ज्यादा उस घर के बारे में मैं कुछ नहीं जानता सर। ओके थैंक यू। आखिर क्या हुआ है सर? वैनिला तुम अंदर जाओ, मैं घर जाता हूँ। नहीं नहीं घर मत जाओ प्लीज। कोई बात नहीं, तुमने कहा ना तुमने कुछ देखा, मैं घर जाके उसे ढूंढता हूँ। एक्चुअली उसने मुझे नहीं देखा, तुम्हें देखा। कहाँ चला गया? हैप्पी, 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 हैप्पी। सिद्धू ये भी नहीं है यहाँ पे। मेरे जीजाजी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। दबाओगे मैं जानता था। आपने कहा था कि कुछ अनर्थ होने वाला है। तुम्हारे घर में भूतकाल में क्या घटना घटने वाली है उसी कार्य में लगा हुआ हूँ। जो घर तुमने लिया है उसके आसपास एक समय उग्र राजा समस्थान का राज था।
90 साल पहले ब्रिटिश लोगों से उन्होंने युद्ध किया था। उस युद्ध में उग्र राजवंशी अंग्रेजों से लड़कर मर गए और युद्ध में मरे सारे सैनिकों की लाश को राजमहल से दूर एक जगह पे एक साथ जला दिया गया। इस बात का पता किए बगैर एक व्यापारी ने उस जगह को खरीदा और गेस्ट हाउस बनवाया। उस जगह से फायदा न होने पर उसे बेचने की कोशिश की और आप लोगों ने उस जगह को खरीदा। उन लाशों के ढेर की जगह पर आपका घर है। स्वामी जी, बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है। ठीक है स्वामी जी। हैप्पी, अरे देखो तो कहाँ गया हैप्पी? जीजा जी, मैं अभी अभी स्वामी जी से बात करके आ रहा हूँ। हमने जो घर खरीदा है जीजा जी, वो भूतों का अड्डा है। जीजा जी,
पूरे घर को सर पे उठा लिया तुमने। देखो यहाँ बैठा सो रहा है, कैसे माँ हो तुम? नहीं मुझे डर लग रहा है। अरे काहे का डर, राज देख तो सही। पल्लवी कहाँ है? माँ जी पल्लवी कहाँ है? माँ जी कहाँ गई? स्वीटी माँ जी तुम्हारे कमरे में सोई हुई थी ना, तुम्हारे रूम में, फिर कहाँ गई माँ जी? सकती है बताकर भी नहीं जाते, टेंशन हो जाता है ना। बेबी जी सारे फूल उखाड़ दी तो बॉडी पे डालने के लिए धागा भी नहीं बचेगा। तुम्हारा दिमाग खराब है, मैंने देखा लेकिन तुम्हें यकीन नहीं है। क्या देखा इस बेबी ने? मैं भी आऊंगी। तुम आकर क्या कर लोगी वहाँ पर? ठेंगा? इस टाइम पे आऊंगी तो सबसे पहचान भी हो जाएगी ना। वहाँ किसी की जान चली गई है और तुझे पहचान चाहिए, पहचान? ठीक है तुम भी चलो। ऐसे नहीं, मैं घर पे जाके रेडी होकर आऊंगी। क्या किसी शादी में जा रही हो बेबी तुम? अरे तू भी चल मेरे साथ। मैं क्या करूं आके, मुझे तैयार करना नहीं आता। हे भगवान तेरा तो दिमाग ही खराब है, खुद कार्टून जैसा लगता है और तो मुझे रेडी करने की बात कर रहा है। अच्छा बेबी जी आपने रात को क्या देखा था? दादी। अरे धक्का देकर क्यों जा रही हो, कम से कम उठा लो मुझे। नमस्ते मामा जी, नमस्ते मामा जी। दादी सच में चल बसी क्या? सॉरी। अरे हमारे घर वालों से ज्यादा यही रो रही है, कौन है ये लड़की? वो लड़की इस घर की होने वाली बहू। जा जाओ वहाँ, आ जाता है कमीने, आने वाले समय में होने वाली बहू है वो। होने वाली बहू? इतना मेकअप करके दिखाने के लिए आई है क्या? उसे वो मेकअप किट लॉटरी में लग गया था इसलिए। अरे इससे पूछिए रिंग कहाँ से खरीदे हैं? किस गांव की लड़की है वो लड़की? आपको एसटी चढ़कर आई हुई दिखाई दे रही है क्या? हाँ, वो यही की है, ये मेरा दिमाग खा लेगा। कहाँ रहती है? यहाँ जान गई और तुम मुझे सवाल कर रहे हो, इससे पूछो। तो यहाँ क्यों खड़ा है, जाना वहाँ। तुम्हारी इयररिंग्स बहुत सुंदर है, डिजाइनर ड्रेस पहनी हो तुम। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? डॉक्टर की लड़की है, माल बहुत निकलेगा। अच्छा। मैं इस एरिया का एसआई हूँ सर। खाना ठीक ठाक बना लेती हूँ ना बेटी? आप क्या खाते हैं? माँ जी इसके हाथों का बना खाना खाए बगैर ही आप चली गई माँ जी। अगर आपकी परमिशन हो तो डेड बॉडी को एक बार चेक कर लेता हूँ सर। ये क्या चीज है, डेड बॉडी को चेक करने की बात कर रहे हैं? जाने दो। अरे सिद्धू सब लोग तुझे ये भूत क्यों कह रहे हैं? एक बेट लगाते हैं, तू भूत नहीं है ये प्रूफ कर, तुझे 10,000 रुपए दूंगा। 10,000 क्या, तुझे 20,000 दूंगा, लेकिन तू साबित कर कि तू भूत नहीं है, प्लीज यार। जाने दो, तू भूत ही लगता है, बेट कैंसिल। दादी माँ, दादी माँ, तुम चली गई दादी माँ, हमें इस तरह से छोड़ के क्यों चली गई दादी माँ? बेट लगाने का सोचा उससे पहले ही तुम स्वर्ग से धार गई। ए, मैं माँ के साथ बात कर रहा हूँ। स्वामी जी ने दिया है, पूरे घर में छिड़कने को कहा है। पूरे घर में छिड़कना है? मैं एक काम करता हूँ, इसे पूरे बदन पर लगाकर पूरे घर में घूम लेता हूँ, ठीक है? माँ जी ये क्या है, वाटर की क्वार्टर है? ये क्या तुम सबको जबरदस्ती पिला रहे हो, क्या मिलाया हुआ है इसमें? ग्लूकोज। इसलिए? रो रो कर थक गए होंगे ना। अरे रो रो कर खुद ही मर रही है, ऊपर से ग्लूकोज पिलाकर मारना चाहता है क्या तू? चल जा यहाँ से। जो हुआ वो बुरा हुआ, हमें
और आगे क्या होने वाला इस बात का सबको डर है। कम से कम इस डर के बहाने हमारी फैमिली एक पैकेज की तरह घूम तो रही है, साथ में खाना घूमना और इस हालत में भी। ऐसे कमरों में खड़ी हो तुम लोग, क्या सोचेंगे लोग? अरे देखो जरा इन लोगों को देखो, कितनी बेशर्म लड़कियां हैं। अरे अरे छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, अरे छोड़ो, तुम तो चलो ना प्लीज। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे छोड़ दो प्लीज। नहीं, चलो ना, मुझे नहीं, 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 मुझे नहीं जाना। हे hey, अरे मैं हूँ ना, चलो चलो ना, अरे चलो 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 चलो। सासू माँ, अरे 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 मुझे कहाँ खींचे ले जा रही हो? अरे छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो। सासू माँ दरवाजा खोलिए, मैं भी अंदर आऊंगी। क्या हो गया? चलो 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 आप भी आ जाओ। ये भी आ गई, देखो तुम भी आ गई। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? छोड़ो ना, कोई बात नहीं, देख रहे हैं। क्यों बेटी, तुम भी यहीं आकर सेटल हो गई? अच्छा है बेटी, बहुत अच्छा है। क्यों बेटी, सब ठीक ठाक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक हो जाएगा। तू मर यहीं पे, मैं जा रहा हूँ। अगर गया तो मार डालूंगी। जा यहाँ से। डिंग डिंग डिंग। हैप्पी, सो जाओ। ए, हटो। जी। ए, ए, उठ, उधर जाके सो, उधर जाके सो। हाँ, जा जा जा, जा उस तरफ सो जा। उठ। भूख। राजू इधर आओ। मैंने डांस नहीं किया तो काट के फेंक देंगे बोल रहा था मैम साहब। मैम साहब इसलिए मुझे करना पड़ा। इधर आ, इधर आ, इधर आ, चल 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 चलो चल चल चलो अंदर सर। क्या हुआ, तुझे भी डर लग रहा है क्या? यहाँ खड़ी क्या? चल अंदर, चल चला मेरे साथ। हम रोज मंदिर जाते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन मंदिर से पंडित लोग जरूर आते हैं। इधर 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 ये रहा, इधर 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 ये रहा, इधर 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 ये रहा, इधर 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 ये रहा। यही पर यहाँ है, पर क्या है? मुझे क्या दिख रहा है, देखो देखो क्या है। ये है राम शास्त्री जी, ये मंदिर के पंडित है। इनका कहना है कि ये भूतों को भगाते हैं। ये यहाँ पर देवी जी के कहने से आए हैं और वो है मेरी माँ। सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ। लव यू लव यू लव यू ऑल। ये तो भूती की तरह लग रही है, कौन है? मैं आ गई। सासू माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए। वेशभूषा से तो यही भूत नहीं लगती है। सुनो, ये पागल कौन है? शास्त्री जी। कल इसी के बारे में बोल रहे थे क्या? क्या बात है, तुम भूतों को पकड़ लोगे क्या? किस में भूत है ये जानने के लिए एक्सरे की जरूरत नहीं है, स्कैनिंग की भी जरूरत नहीं है, एमआरआई की जरूरत नहीं है। अंतरात्मा से देखता हूँ, एहसास करके बता दूंगा। तब तक मुंह बंद करके खड़े रहना। ये तो भूत से भी खतरनाक लग रहा है। ये पूरी भूत नहीं लग रही है, ये लक्ष्मी है। बाप रे, ये तो खतरनाक आइटम है। हाँ, ये चूहा कुछ बोलना चाहता है? हाँ? इन दोनों को मेरे पास ले आइए, मेरे सामने बिठा दीजिए। चुपचाप बैठ जाओ। भूत के बच्चे, भूत महाशय, इस बच्चे के अंदर क्यों बैठे हो? एक नहीं, तीन है। बाहर लाके अपने कंधे पर उठाकर घर लेकर जाओ। अरे भूतनी के, अरे क्या कर रहा है, पागल है क्या? रची को कोई मारता है क्या? मत मारो, मत मारो। बाहर निकल, अरे बच्चे का शरीर छोड़, बाहर निकल, बच्चे का शरीर छोड़। बस करिए, इधर आइए, ये लीजिए इससे बेटा, इससे। क्या कर रहा है? बाहर निकल, बच्चे को छोड़। निकल गया, बाहर निकल गया, तू भी अब निकल। गया बोला ना, गया। एक से काम नहीं चलेगा, पूरा फैमिली पैक चाहिए क्या? लेके जा, लेके जा, लेके जा, लेके जा। माँ जी भाग गया, सच में भाग गया।
टाटा बाय बाय आइटम तुझे तो मैं आइए आइए अंदर आइए आइए बैठिए। इनका धर्म बेशक अलग है लेकिन काम वही है, इसलिए दोनों की शक्लें मिलती है। ये भूतों को ऐसे पकड़ते हैं जैसे हम चॉकलेट खाते हैं। इनका नाम है जॉन पॉल, इन्हें मामा जी लेकर आए हैं। हे यीशुआ। ओ अच्छा राम शास्त्री, तुम राम को जानती हो? He is my bro. ओ आप ट्विन्स हैं? नहीं थ्रिल्स। मतलब? मतलब वो बड़ा है मेरा भाई राम, मैं बीच वाला हूँ। मेरा नाम जॉन पॉल है और मेरा छोटा वाला मेरा भाई रहीम। मेरे पिताजी की 3 बीवियां हैं, एक एक बीवी को एक एक बेटा है। वो भी भूतों को ही पकड़ते हैं क्या? What my friend, भूत की बात कर रहा है? पहले बच्चे से भूत निकालो। इस आइटम को तो मेम साहब। हाँ? ये आदमी बिल्कुल राम शास्त्र की तरह मुझे देख रहा है। हाँ फादर, इन दोनों में से एक को भूत ने पकड़ा है। इसको पकड़ा है ये पता लगा कर भूत को बाहर निकालना है। ये सुना था मुझे यहाँ आपने भूत भगाने के लिए बुलाया है? अरे लंबू, अरे छोटू, तुम्हारे अंदर के भूत को 5 मिनट में निकालकर यहाँ रख लूंगा। प्रभु यीशु, भूत को बाहर निकालो। बोलो। भूत बाहर निकल जाओ, भूत बाहर निकल जाओ। फिर से बोलो। इन दोनों भूतों को अपनी जेब में रखकर गांव के बाहर वाले तालाब में डुबा दूंगा। हे यीशु, दोनों बच्चों को भूत से छुटकारा दिलाओ। इन बच्चों को भूतों से कोई तकलीफ ना हो, आमीन। प्रभु तुम्हारी रक्षा करे। माय डियर फ्रेंड फादर, अब एक गाना गाऊं क्या? गाना? गाना नहीं, प्रार्थना। मैरी, प्रार्थना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता। थैंक यू फादर, थैंक यू सो मच। यू आर अ ज्यूरी जीसस। हाँ, इनका नाम है अब्दुल उर्फ सुलेमान खान उर्फ रहीम, और ये अपनी लुंगी से भूतों को पकड़ते हैं। ये हमारे ड्राइवर राजू के कहने पर यहाँ आए हैं। है मैडम, आपके घर में हवाओं में है, आप लोगों के रास्ते में है, इस घर के कोने कोने में भूत समाया है। मैं उसे पकड़ूंगा, लुंगी में छुपा लूंगा। जॉनी आजा, 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 आजा जॉनी आजा, आओ आओ आओ, पकड़ा, ये लुंगी में छुपा लिया, लुंगी में छुपा लिया। हाँ लुंगी में छुप गया। माँ जी, दोनों भूतों को मैंने लुंगी में छुपा लिया है, इन्हें बाहर फेंक दूंगा, पैसे दो माँ। ए, लुंगी डांस सेठ उधर है। दोनों भूतों को बंगाली छाप लुंगी में मैंने छुपा लिया है, पैसे दीजिए साहब। दोबारा यहाँ पर दिखाई दिया तो हाथ पैर तोड़ दूंगा, चल निकल यहाँ से। जीजा जी शांत हो जाइए, आइए रहमान, आइए बाहर आइए, चलिए। मेरे पिताजी भगवान को नहीं मानते, इसलिए उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। क्या नाम है तुम्हारा? सिद्धू। सिद्धू, बुद्धू, लड्डू, गुड्डू, ये कैसा नाम है? इंसान को नाम से याद नहीं करते, उसे उसके काम से याद करते हैं। तुम बहुत होशियार हो, घर वाले ये बता रहे थे। थैंक यू। ओ थैंक यू, आई एम योर फ्रेंड। डॉक्टर पेशेंट कभी दोस्त नहीं होते। मैं आपका पेशेंट हूँ और आप मेरे इलाज के लिए मेरे डैड के भेजे हुए डॉक्टर हैं। फ्रेंडशिप रिलेशंस डिपेंड ऑन इमोशंस, डॉक्टर एंड पेशेंट्स वोंट हैव एनी इमोशनल फीलिंग्स। तुम फिलॉसफी भी जानते हो? मुझे साइकोलॉजी का भी ज्ञान है। तुम इंटेलिजेंट हो, फिलॉसफी भी जानते हो, साइकोलॉजी भी जानते हो, और ये सब जानने के बाद भी आधी रात में भूत की तरह क्यों घूमते हो? हमारे घर में एक भूत है, आधी रात को वो हमारे घर के आसपास घूमती है। पायल की आवाज, पेड़ के पास वो मेरी दादी माँ को बुलाती थी और दादी डर जाती थी। ये बात मेरे भाई को भी पता थी, लेकिन वो साला निकम्मा, उसने कभी कोई बात सीरियसली नहीं ली।
उसे बदलने के लिए मैंने अपना प्यार ही उस पे लुटा दिया। अब इन बातों का क्या मतलब? उस पेड़ के पास मैं रोज इंतजार करता था। उस भूतनी की पायल की आवाज सुनते ही मैं उसका पीछा करता था, उसे पकड़ने की कोशिश करता था। जिस दिन दादी माँ मरी उस दिन मैं उसे पकड़ने ही वाला था कि इतने में मेरा निकम्मा भाई वहां पहुंच गया। मुझे बहुत गुस्सा आया और सारा गुस्सा उस पर उतार दिया। वो भूत कौन है? मेरी मम्मी। मम्मी? तुम्हारी मम्मी डांटती और मारती है क्या? बाहर जाने नहीं देती है और खेलने भी नहीं देती है, टीवी भी देखने नहीं देती है, बस पढ़ाई करने बोलती है। ओ, ऐसा करती है? खाना और सोना, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। गुस्सा? गुस्सा, गम, दोनों ही है। मैं बता नहीं सकता, मैं कुछ अलग टाइप का ही हूँ। जब मेरी दादी माँ मरी तब भी रोना तो बहुत आ रहा था, लेकिन मैंने कंट्रोल कर लिया। छोटू से डरकर सब उससे दूर होने लगे, लेकिन मैंने अपना मैक्सिमम टाइम उसके साथ बिताया, उसे हमेशा खुश रखना चाहा। तुमने क्या किया बेटा? मैंने चादर ओढ़ के खुद भूत बना और मम्मी को डरा दिया। डरा दिया? मम्मी डर गई क्या? बहुत ज्यादा डर गई। ऐसा करने से भूत आएगा ये किसने बताया? अगर बच्चे रोते हैं तो भूत आता है। मम्मी को मारा था तो मम्मी ने मुझे कहानी बताई। आपके घर में आपकी जानकारी के बिना मास्टीरिया है। मास्टीरिया का मतलब मांस में रहते वक्त या भीड़ के साथ स्क्रीन में हीरो को देखते वक्त जो फील होता है वो चीज नहीं है। जैसे कि किसी ने अनहोनी बात कही और उस बात को सच मानकर दूसरे ने बिना सोचे समझे उसी बात को एक्सेप्ट कर लिया, इसे कहते हैं मास हिस्टीरिया। आपके सारे बच्चे साथ में मिलके खेलते हैं, नाचते हैं, सोते हैं, ऐसे बच्चों के साथ आपकी नौकरानी पद्मा और ड्राइवर मिलके बच्चों को कहानी सुनाने के नाम पे भूतों की कहानी सुनाने लगते हैं। वो कहानी सुनकर सिद्धू घर पर कोई भूत है सोचकर और घर के चारों ओर भूतों का साया है और उसे पकड़ने के लिए हाथ में डंडा लेकर सिद्धू आधी रात को निकल पड़ता है। लेकिन हमारी दादी ने उस भूत को देख लिया था, इसीलिए मर गई डॉक्टर। आपकी दादी भी भूतों की कहानी को सुनकर उसे सच मान बैठी होंगी। हो सकता उस रात वो ज्यादा डर गई हो और इसी डर की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया हो। आपका मतलब हैप्पी? वो बहुत समझदार लड़का है, आप बेवजह उस पे चिल्लाई और मारी, इसलिए उसने भूतों का नाटक किया। आपका मतलब हैप्पी नाटक कर रहा था? तुम अपने पति से दूर रहती हो इसलिए पति का सारा गुस्सा बच्चे पे उतारती हो। बच्चों को डरा के नहीं, प्यार से समझाओ। क्या हुआ बेटी? हैप्पी मेरी वजह से ये सब कर रहा था, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। अरे बात सुन, इस वजह से रो रही है तू? देखो बेटी, अब से हैप्पी को तुम हैप्पी रखने की कोशिश करना, है ना? सही कहा। अरे याद आया, उस दिन वो कृष्ण भगवान बनना चाहता था, अब तुम्हें उसकी इच्छा को पूरी करनी है। चलो हम लोग उसे कृष्ण भगवान का गेटअप देते हैं। सही है, अब तो खुश हो जाओ। अरे हंसो भी। चलो चलो आओ। कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट का इलाज जरूर करता है, लेकिन उसकी बीमारी कभी याद नहीं रखता। Mm-hmm.
पुष्पा, 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 सिद्धु भैया मुझे दादी की याद आ रही है, मुझे कमरे में डर लगता है अकेले में। जिंदगी में बहुत तकलीफें आती है लेकिन डट कर मुकाबला करना चाहिए। बिल्कुल भी मत डरना, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम नहीं जानते क्या हुआ। सिर्फ मुझे ही नहीं, इस घर में किसी को भी कुछ मत बताओ। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो कोई ना कोई पता कर ही लेगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100। गाना अच्छा लगा ना? किसकी होगी? अरे बाप रे, ये आवाज तो अच्छी लग रही थी। चलो बाहर चल के देखते हैं। नहीं आऊंगी। डर रही हो? नहीं आऊंगी, मुझे डर लगता है। चलो ना, मैं हूँ ना साथ में, आ जाओ। नहीं जाऊंगी। अरे चलो ना, चलो ना बाहर चल के देखते तो है। चलो डरो मत, मैं हूँ ना साथ में। अरे मेरे पास गन है, कोई आएगा तो मार दूंगा। चलो चलो। अगर तुझे इतनी खुजली है तो खुद जाके मार, मुझे क्यों घसीट रहा है? हट। अरे बाप रे। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी, तुम्हारी वजह से मेरी दादी मर गई है। बल्लू इधर आ, चलो बैठ जाओ। वहाँ किससे बात कर रही थी? भूत से कर रही थी, भूत है वहाँ पे। मेरे साथ कॉमेडी मत करना बाबा। अभी आती हूँ, संभल के रहना आप। भूत है, तुम जाओ ना। भूत है, भूत है, अरे कोई बचाओ, कोई है क्या इधर? भूत है, मुझे कोई बचाओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत। अरे बाबू, बाबू क्या है मामा जी? अरे बाबू अर्जेंट बाहर आ। अरे एक जरूरी बात करनी है, बाहर आना। मैं आ रहा हूँ ना, आप रुकिए। हे भगवान, ठीक है मैं यहीं बैठता हूँ, तू जल्दी आ। ये भी बाथरूम में बैठा बैठा क्या कर रहा है, जल्दी बाहर। हमी जे तुमार, तुमी जे आमार। बाप रे, भूत है। अरे बाबू जल्दी बाहर आ। मैंने जरा सा क्यों डरा दिया, बच्चे जैसे भाग गए। मामा ने मुझे नहीं देखा इसलिए तुम बच गई हो, अगर मुझे देखा होता तो बुरी हालत कर देते तुम्हारी। क्या कर लेते, क्या कर लेते। चल बता, किस नहीं चाहिए क्या? अरे शर्माते हो माय डार्लिंग। Woo-hoo!
तुझे गोली मार दूंगा। नया स्टाइल, घर पे ही हनीमून। मामा जी ये मेरी फ्रेंड है। तो मुझे डराने वाली? ये रूम देखना चाह रही थी इसलिए लाया। बहुत अच्छा, नाइस, सो नाइस। मैं जितना टेंशन में हूँ, फ्रस्ट्रेशन में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, तुम्हारी रोमांटिक स्टोरी सुनने के मूड में नहीं हूँ। तेरे से बात करनी है, जल्दी बाहर आना। आ रहा हूँ मामा जी। और सुनो बेटी, तुम जरा चड्डी पहन कर आओ। ये ड्रेस ऐसी होती है, नीचे कुछ नहीं होता। अरे वाह, वेरी ट्रेडिशनल, बहुत अच्छी है। थैंक यू। चलो जल्दी बाहर आओ, मुझे बात करनी है। बताइए मामा जी। अरे कुछ नहीं, रात को टेरेस पर मैंने भूत देखा। क्या भूत देखा था? हाँ, मैंने बताया था ना, वो उस रात को मैंने वहीं पे भूत देखा था ना। हाँ, वहाँ टेरेस पर देखा था। मुझे डर लगा, मैं नीचे जाकर चादर में छुप गया, वो मेरे पीछे आकर मेरे बगल में बैठ गया बाबू। ओह, तो रात भर आपको खूब मजा आया होगा, है ना? ये क्या बकवास कर रही है, तुम्हारी जुबान को ताला लगाओ। मैं डर गया था बाबू। बगल में था तो पकड़ना चाहिए था ना। मैं कैसे पकड़ लूं, वो कोई बच्चा था कि पकड़ लेता, पकड़ कर गले लगा लेता मैं। अरे बाबू, वो भूत था यार, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, 1 किलोमीटर की चोटी, बाप रे, उसे देखकर सुसु निकल गई थी। श्रीलंकन राक्षस की तरह, पाकिस्तानी शैतान की तरह, नेपाली भूत की तरह, बहुत ही भयंकर था वो। उसे देखकर तो कोई भी डर सकता है। तुम्हारे पापा क्या है? ये लड़की एंकरिंग करती है क्या, कब से बड़बड़ किया जा रही है। वैनिला चुप हो जाओ, अब क्या करें? अरे मैं क्या बताऊं यार, अब तो मुझे हर जगह डर लगता है। तू बताएगी? बता। मेरे पास एक आइडिया है। जैसे चूहा पकड़ने के लिए पिंजरा लगाते हैं ना, तो हम एक बकरा रखेंगे जिसे भूत पकड़ में आ जाएगा। अरे वाह, ये लड़की सही कह रही है, देखते ही विश्वास करेगा। हाँ, लेकिन वो बकरा कौन है? पांडे। पांडे बकरा। प्लीज नहीं मामा, वो बहुत डरता है। तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। तुम लोग भी आसपास छुपे रहोगे ना, इवनिंग शो की टिकट लेकर आता हूँ, हम सब लोग चलेंगे। पांडे, तेरा तो पैर बच जाएगा। देखते जा। यस। चुलबुली बेबी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ पांडे। ये क्या, इतने अच्छे से बात कर रही है। तू क्या चादर ओढ़ के खड़ा है? यहाँ बहुत ठंड है ना भाई, इसीलिए। अरे ओ पागल, ठंडी में चादर नहीं ओढ़ते हैं, लड़की को ओढ़ते हैं। हे, ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? हम सब मिलकर एक खेल खेलेंगे। मैं खिलाड़ी नहीं हूँ बेबी, शिकारी हूँ। चलो शिकार करते हैं। जरा रुको तो पांडे, रुको ना पांडे, प्लीज। प्लीज। एक था टाइगर, एक था लेपर्ड। हम सब फ्रेंड्स हैं ना? वो लोग भी मुझ जैसे ही थे, अंदर से शक होने पर भी ऐसी मीठी मीठी बातों के सामने तो गल ही जाते थे। बोलो बोलो बोलो, क्या खेल खेलना है बोलो। अकड़ बकड़ बम्बे बो। मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा, मुझे गेम बहुत अच्छे से आता है। चलो चलो सब मिलके खेलते हैं। चलो चलो चलो। डडंग 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 डडंग। गेम स्टार्ट्स। अकड़ बकड़ बम्बे बो, 80 90 100। वेनिला हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है। नहीं, तू नहीं सुधरेगा। जा 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 जा, तो चल चल, निकल निकल, चल निकल, चल। ए तू भी चल, चल निकल। वेनिला, अच्छा जाते हैं। जा चल जा, निकल। वेनिला, हटरे पुस्की। नो, सब लोग निकल जाओ यहाँ से, मेरे सामने कोई नहीं रुकना। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। तुमने क्या? कोई आएगा तो बिल्कुल नहीं चिल्लाना, ठीक है? वरना तुझे सब लोग कॉमेडियन समझेंगे, समझे ना? कौन कौन आने वाला है? बता तो सही। बाय बाय बाय। रोमांस जरूरी था क्या? मैं सिर्फ 10 नंबर तक गिनूंगा, सभी लोग जहाँ हो वहीं चुप जाओ। 10 9 8। बाप रे, इतनी जोर से किसने मारा? अब तो एक एक की बजा के रख दूंगा। क्या रे, क्या हुआ? अब इसका सुस्सु निकल आएगा। एक चाहिए ना? सितो तो जा मत, रुक जा। ये बाल कैसे दीदी?
ऑलिव ऑयल है, हमारे घर में भी यही यूज करते हैं। तो ये पेट कैसा दीदी, पैराडाइज बिरयानी खाई क्या? जाके एक पार्सल लेकर आता हूँ प्लीज। क्या हुआ दीदी, फिर कैसे आपको इंप्रेस करूँ ये तो बताइए, मैं ट्राई करूंगा। एक बार जो मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ तो बहुत मारता हूँ, बहुत मारता हूँ, और देखने वाले सब देखते ही रह जाते हैं, बस समझ गए ना। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, शौहरत है, लेकिन तुझ जैसी कोई भूतनी नहीं है बस। हाँ, और तू तो भूल भुलैया की मुंजलिका से भी ज्यादा खतरनाक है। हाँ, और तो तू राज पिक्चर की विपाशा से भी ज्यादा खतरनाक है। ऐसे भूतों को तो मैंने सिर्फ मूवी में ही दिखा था, अब ये मेरी जिंदगी में क्या कर रहे हैं? कुछ समझे नहीं समझे, वन मोर। भूत बनकर किसी को ऐसे डराते नहीं है। हाँ, मैं भी इतना नहीं डरा था, और मैं डर में भी इतना तो डरा ही नहीं था, और अब काजोल के साथ काम करते वक्त भी इतना डर नहीं लगा, और दीपिका के साथ तो बिल्कुल भी इतना डर नहीं लगता था। ये तो आपको पता चल गया होगा कि इन लोगों के साथ मुझे लगता है कि वो मैंने शायद भूतिस वेल बोल दिया, इसीलिए ये भूतनी मेरे पीछे लगी है। अब तो मुझे लगता है कि इस भूतनी से बचने के लिए मुझे शाहरुख और सलमान दोनों के साथ मिलकर एक पिक्चर बनानी पड़ेगी। ऐसा लग रहा है मुझे कि अब ये भूतनी मेरे पीछा नहीं छोड़ेगी। भूतनी दीदी, और आखिर कैसे आपको इम्प्रेस करूं? इतने एक्टरों की एक्टिंग नहीं आते हुए भी मैंने इतना सब कुछ किया, अब एक काम करता हूँ, तुम्हारी बेटी से शादी कर लूंगा बिना दहेज के। हाँ। नहीं मारोगी? जरा रुको, एक और बार मारोगी तो सच में मर जाऊंगा। रात भर भगा कर नचा कर, ए तुम लोग इंसान ही हो क्या? तू मेरा दोस्त ही है क्या? तेरी तो मेरी तकदीर देखो, दारू पीने के लिए आराम से बैठा था, खेल खेलते आ आ कहकर उस भूतनी के साथ बिड़ा देते हो। हंस क्यों रहे हो देवर जी? उस भूत ने मार मार कर तेरी हालत खराब कर दी। एक बात तो हमारी समझ में आ गई, फुल क्लियरिटी हो गई। क्लियरिटी क्या? इस घर में भूत है। ए, इसके बाद से तुम लोग मुझे खेलने के लिए आ आ कहोगे ना, तब भी मैं तुम्हारे पास खेलने नहीं आऊंगा। मैं तो नहीं, तू तो इससे बच के रहना यार, क्योंकि खा के रखेगी। चल निकल, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, इसकी सारी गर्मी उतर गई। वो तो ठीक है, इस घर में भूत तो है भाई, अब हम क्या करें? अब क्या करोगे क्या नहीं ये सोच रहे हो देवर जी? हमें फौरन तांत्रिक के पास जाकर बात करनी चाहिए। हाँ ठीक है। देखिए उस भूत का साया छोटे बच्चों के ऊपर है, छोटे बच्चे भूत से डरने लगे हैं। वो खतरनाक भूत है, कल सुबह मैं अपने शिष्य को भेजता हूँ, उसे जो भी आवश्यकता होगी आप लोग पूरा कीजिएगा। आप सब लोग बाहर रहिए, मैं और बच्चे अंदर चले जाएंगे। पिता जी, आप लोग यहाँ बैठिए। ओम शिवोहम हर हर महादेव परमेश्वरा समोदि दधि समतुषारभ नमामि धरणी गर्भ संभूतम शक्ति हस्तम मंगलम त्रलोकेत्यम दैत्यानाम शिवार्पणम रौद्रात्मकम घोरम तम रौद्रे रात्रे नवग्रह नक्षत्राग्नि पीडास्तस्य कराग्नि यासि यातो भूतेम सर्वम शिवार्पणम
मयाकरी प्रलयाकरी पावनाकरी प्रत्यक्षम सर्वम शिवार्पणम्। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तू मेरे साथ खेल खेलेगा, मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे। नहीं, आजा। हाँ, आजा खेल। मुझसे उलझोगे? मैं हूँ। तुझे देख के अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लगा, तू अच्छा, शाबाश। क्यों रे, क्यों क्यों ऐसा घूर रहा है? बोलो। तुझे भी चाहिए क्या? उससे लड़ेगी? ये जगह मेरी है, बंगला मेरा है, सब कुछ मेरा है। क्या हुआ साले, तेरी फट गई क्या? त्रिदलम, त्रिगुणाक्रम, त्रिजम बयाकरी, प्रलयाकरी, पावनाकरी, प्रत्यक्षम कपाली, सर्वम शिवम अर्पणम्। पिताजी, आपके घर में बहुत ही खतरनाक दुष्ट आत्माएं हैं, इन्हें मैं तो क्या मेरे गुरुजी भी दूर नहीं कर सकते। हमारे परिवार के लिए आप ही सुपरस्टार थे, अब जरा उधर देखिए, अब हमारे फैमिली में नई सुपर हीरोइन आ गई है। देखिए,
क्या करना है बाद में सोचेंगे, पहले वो घर और उस जगह को छोड़कर कहीं चले जाइए। अर्जेंट जाना पड़ेगा। लेकिन मेरी सारी चूड़ियां मैं लेकर आता हूँ ना, तुम लोग चलो, ठीक है ना? डैडी। क्या हुआ बेटा? मेरे खिलौने। तुम आंटी के घर पर जाओ, तुम मैं लेकर आता हूँ, ठीक है? हाँ, देख क्या रहे हो, चलो चलो। तुम क्यों खड़ी हो, गाड़ी में बैठो, चलो बैठो जल्दी। मैं भी आता हूं। आगे क्या करेंगे? वेट करेंगे। इतना टाइम हो गया लेकिन भूत अभी तक क्यों नहीं आया? ऐसे नहीं, कोई खेल खेलते हैं तभी वो आएगा ना। कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80-90 पूरे। मैं बिल्कुल नहीं हूँ डरपोक और मैं खत्म करूंगा हर भूत। बापरे। यहीं से ही तुम्हारा बाप रोज भूतों को देखता था ना? हाँ। कौन दिखाई देती थी पता है? जानते हो? वो मुझे ही देखते थे। समझ गए क्या? समझ गया, तुम इस घर की बहू और भाई की होने वाली पत्नी हो। तुम्हें डर नहीं लगा? तुझे ठीक से डराना नहीं आता। भूत को देखना है वो देखो। चलो जल्दी, मैंने देखा है अपनी आंखों से देखा है, यहाँ से चलो।
कर पकड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 अक्कड़ पकड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 पूतनी हमें देख के छुप जाती है। क्या बोल रहा है तू? अकेला पाके भूत हमें डराता है। हम एक एक करके नहीं साथ में चलेंगे और पकड़ेंगे उसे। पकड़ लेंगे। सही कह रहा है। पकड़ते हैं। राज के बताने से पहले हमें मालूम नहीं था। ए, उठो। ए, सिद्धू, उठ। नहीं आऊंगा। ए, चुपचाप चले गए या नहीं? तुम्हारी वजह से इन सबको तकलीफ सहनी पड़ रही है। इनको कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? पिताजी, लाइफ में एक मोमेंट आया था। माँ रो रही थी, पिताजी चिल्ला रहे थे। ये देख के मेरा दिल दहल गया था। आज हम आपकी बातें नहीं सुनेंगे, उसे हम पकड़ के रहेंगे। ए, 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 भूतों के साथ तुम लोग लड़ोगे क्या? क्यों, भूत के 4 पैर और 6 हाथ होते हैं क्या? स्पाइडरमैन की तरह दीवारों पर छलांग मारकर सुपरमैन की तरह उड़कर जाते हैं क्या वो? अगर ऐसा होता तो सब खुद की जान लेकर भूत बनना पसंद करते मामा जी। जिंदा रहना किसी को पसंद नहीं होता। भूतों के बारे में आपके बच्चे नहीं समझ रहे हैं। यहाँ भूत नहीं है ये हम नहीं कह रहे है। हम सब ने देखा है। हम सबको देख कर वो दुम दबाकर भाग गया। उसका पीछा किया, वो भागता रहा, उसे फिर पकड़ा पर हाथ से छूट गया। फिर भी इतने घर और इतने लोग होने के बावजूद उसे हमसे ही क्यों इतना प्यार है, बताइए? बताइए ना, आखिर हमसे इतनी दुश्मनी क्यों है? हमने किसी को मारा, किसी का बुरा किया, किसी को दुख पहुंचाया, फिर हम क्यों घर छोड़ के जाएं? हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये घर छोड़कर किसी और जगह में जाकर रहने से वो वहाँ नहीं आएगा, इसकी क्या गारंटी है? इसलिए हम इसका पता लगा के रहेंगे। कैसे पता चलेगा? उसे बुलाएंगे। जरूर बाहर निकालेंगे।
बात करेंगे उससे, उसका अंत करेंगे। ए, विभूति दे। किस लिए? विभूति छिड़कने से तो वो भूत बाहर आएगा। पांडे इधर आ और बात सुन, इस राख को पूरे घर में छिड़क दे। अगर भूत दिखाई दे तो उससे डरना मत और ना ही चिल्लाना, बल्कि बाल पकड़ के खींच ले। ये सब कैसे होगा रे? जब बच्चे आधी रात को रोते हैं तो उन्हें डराने के लिए भूत आ जा करके भूतों को बुलाते हैं ना, तो अब कैसे नहीं आएगा? मैं बुलाऊंगा। ये कैसे बुलाएगा? ए, रात भर यहाँ रहकर तुम लोगों ने क्या किया? ऐसे क्यों जा रहा है? बुलाएगा? हमें तो नहीं दिखाई दिया। काम हो गया क्या स्वामी? इतने लोगों को देख के भूत भाग गई? कहीं नहीं गई, यहीं पर है। हम लोगों में से किसी के अंदर छुपी बैठी है। जीजा जी, ऐसा क्यों स्वामी जी? उसे बुलाएंगे। कैसे बता सकते हो ये? किस पर है ये, कैसे बता? इसलिए हम इसका पता लगा के रहेंगे। कैसे बता सकते हो ये? कल रात मैंने सुनी थी सिर से पैर तक हिला देने वाली खतरनाक आवाज। अगर आज कहीं वो फिर से सुनाई दे गई तो हम उसे पकड़ लेंगे चाहे कैसे भी। उसे पकड़ोगे तो वो तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगा। उसे इस हाथ से पकड़ा था पर मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तो क्या मेरे अंदर अद्भुत शक्तियां हैं और मुझे ही नहीं पता? होती तो पहले ही पता नहीं चलता। तो क्या हम सबको चिल्लाना पड़ेगा? क्या चिल्लाने की जरूरत नहीं है, हमारे परिवार के लिए माँ और दादी माँ ने जो पूजा पाठ किया है उससे वो भूत हमारे शरीर में नहीं आ सकता। आ भी गया तो हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। हमारे परिवार के अलावा सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। ए राजू खड़े हो जा, पद्मा खड़ी हो जा, दरवाजा बंद कर दो। सही है, वो कह रहा है वो सही है, दरवाजा बंद करो, जल्दी करो। चलो उठो। अरे... ए, सोफा हटाओ। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? दरवाजा बंद करो। ए, आने दे, चक्का मार। इंस्पेक्टर यहाँ खड़े हो जाइए। राजू इधर आ, आजा। ए, तू भी खड़ी हो जा, खड़ी हो जा यहाँ। हाँ स्वामी जी। मैं भी गैर हूँ ना। स्वामी जी आप? पंडित जी आप भगवान समान हैं, आप ही कोई उपाय बताएं। बैठिए। फिर ये बेटी? मैं क्यों, मैं नहीं खड़ी होंगी। मेरी बात सुनो, तुम जाके खड़ी हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तुम कहोगे तो मैं जरूर खड़ी रहूंगी। चिल्लाइए। साई कुमार की आवाज है। ए राजू चिल्ला। बहू कॉमेडी मत कर, चिल्ला। बहू ये पागल की आवाज है। अंदर से जोर से चिल्ला। ए, ये देख, यही है क्या? ये राक्षस की आवाज है। पद्मा चिल्ला। मुझे भी चिल्लाना है क्या? चिल्ला, म्याऊ। मजाक मत कर, चिल्लाओ। म्याऊ। नहीं पागल। बनिला चिल्लाओ अंदर से। अरे बोलना बोल। ये नहीं है माँ, वो आवाज सिर से पैर तक हिला देने वाली खतरनाक आवाज थी, ये नहीं हो सकती। अरे ये नहीं है वो नहीं है तो कौन है? अम्मा तू वो आवाज पहचानता है ना? अभी सुनाता हूँ देखो। अरे नाटक मत कर, चिल्ला। मेरे पीछे क्यों पड़ा है रे? हाँ चिल्ला, हाँ चिल्ला।
किस जात के तुम लोग? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? दोबारा मारा ना तो मार डालूंगी। देखो देखो अब भूत बाहर आ रहा है। अगर नहीं चिल्लाई तो इसके हाथों मर जाएगी तू। तेरी तो मर। चिल्लाओ, तुम्हारा खेल खत्म हुआ, अब नाटक बंद करो। चिल्लाओ मर। हाँ सिद्धू, इतना मार कि भूत बाहर आ जाए। ए सिद्धू, पुलिस की तरह मार। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। परिवार के साथ तेरा क्या संबंध है? तुम बताओगी या नहीं? बताओ। एक सेकंड स्वामी जी, मत मारिए, चोट लगेगी बेचारी को। चोट नहीं लगेगी तो भूत नहीं जाएगी कैसे? रुकिए स्वामी जी, मैंने उसे जब मारा तो वो किसी और के शरीर में चली गई, अब वो किसी और के शरीर में है, अब उसे आप ऐसे ही मारेंगे क्या? आखिर पद्मा कहाँ रहती है, कहाँ से आती है, रात में कहाँ जाती है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? पद्मा का घर कहाँ है? इधर हम कॉलोनी में, दूसरी लाइन में तीसरा घर। ए पांडे, वेटिंग बाबू को जल्दी से कॉल लगा, वो भी उसी एरिया में रहता है। हेलो। ए पूछ किधर है? अरे तू शॉप में है क्या? सिगरेट पी रहा हूँ, धुआं उड़ा रहा हूँ, साथ में आ जा तू, मारते हैं दम पे दम। ए मैंने सिगरेट पीना छोड़कर एक साल हो गया है ना। तूने सिगरेट छोड़ दिया ना तो सिगरेट कंपनी वाले भिखारी हो जाएंगे यार। वो बाद में भिखारी बनेंगे, पहले तू बैठ के भिखारी बन जा वहाँ पे। मैं इस वक्त चेकनाका पे खड़ा हूँ, तू अपनी बेड बता। आखिर तेरा घर कहाँ है बता? शास्त्री नगर में। उसकी दूसरी गली के तीसरा घर किसका है? खंडहर है वो, वहाँ कोई नहीं रहता। के साथ तुमने पार्टी प्लान किया है क्या? बताओ ना भाई, मैं भी आऊंगा। हेलो हेलो हेलो, रख दिया। मेरा अनुमान सही निकला, नौकरानी के अंदर भूत नहीं बल्कि नौकरानी भूत है। बोल तू इस परिवार को छोड़कर जाएगी कि नहीं? वन सेकेंड स्वामी जी। वन सेकेंड बोलकर जॉनी लीवर के तेरा टाइम पास क्या कर रहे हो यार, जल्दी करो ना। एक सेकेंड काफी है मामा जी, जिंदगी बदल जाएगी। भूत के सामने मैथमेटिक की बातें करने लगे। समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है। वन सेकेंड, समय खत्म हो जाएगा या भूत पेड़ पर चढ़कर भाग जाएगा। कुछ भी हो हम उसे पकड़ ही लेंगे। पेड़ को हिलाना क्या, पूरा का पूरा पेड़ ही जला देंगे स्वामी जी। खेल खत्म, कहानी भी अंत। खेल खत्म, दुकान बंद। अरे तुम लोगों की बातें मेरी समझ में ही नहीं आ रही है। मामा जी, आपको असली पिक्चर अभी दिखाता हूँ, देखो। ये कहानी 90 साल पुरानी है। 1925 में उग्र नरसिंह राज ने दांडी यात्रा शुरू की। अंग्रेज राज्य हड़पने के लिए लड़ रहे थे, उग्र नरसिंह राज के सैनिक भी अंग्रेजों से लड़ रहे थे। जब अंग्रेजों ने दोबारा हमला किया तो दादाजी ने सारी कीमती चीजें, सारा खजाना कहीं सुनसान जगह पर छुपा दिया। इस बात का पता किसी को चलने से पहले दादाजी गुजर गए, और कुछ सालों के बाद वो जमीन एक सुपरस्टार ने खरीदी और उस जमीन पर उसने एक गेस्ट हाउस बना दिया। उस सुपरस्टार को भी ये बात पता नहीं थी कि उस जमीन में खजाना है। तरक्की ना होता देखकर उस सुपरस्टार ने वो गेस्ट हाउस बेचने का फैसला किया।
खरीदार तो आए लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। दादाजी नहीं चाहते थे कि वो खजाना किसी गलत इंसान के हाथ लगे। कुछ दिनों बाद पिताजी की नजर इस बंगले पर पड़ी और उन्होंने ये बंगला खरीद लिया। ये बात किसी को खल रही थी, वो चाहते थे कि पिताजी इस बंगले को छोड़ दे, इसलिए उन्होंने प्लान करके पद्मा को यहाँ भेजा और वो हर बात की खबर उन्हें देती रही। उसी वक्त ब्रोकर आ टपका और उसने दुगने दाम में वो बंगला बेचने की बात की। पिताजी को वो बंगला नहीं बेचना था इसलिए उन्होंने मना कर दिया। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, घर में पुलिस था, लॉयर था, पॉलिटिशियन था, इसलिए उनकी दाल नहीं गली। तब उन्हें एक नया प्लान सूझा और उन्होंने शुरू किया भूत का खेल। फिर दीपावली के दिन पद्मा ने सुनाई एक नई भूत की कहानी, जिससे बड़ों को तो फर्क नहीं पड़ा लेकिन बच्चों ने उस बात को दिल पे ले लिया और भूत की झूठी कहानी सबको सच लगने लगी। पर मुझे कहीं ना कहीं शक होने लगा। पायल की आवाज सुनते ही मैं उसके पीछे जाने लगा और उस दिन दादी पद्मा को पेड़ के पास देखकर डर गई। पद्मा बाखूबी अपना रोल निभा रही थी, उसने सबको ये विश्वास दिला दिया था कि यहां सच में भूत है। फिर उसी ने जिक्र किया एक भूत भगाने वाले स्वामी जी का और उस स्वामी जी की बात सुनकर सब उस पर यकीन करने लगे। डर इतना गहरा हो चुका था कि उसे पुष्पा में भी भूत दिखाई देने लगी और दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत हो गई। इस घर के भूत की बात इतनी फैल गई कि यहां पर बाबा आए, पुजारी आए, पादरी आए, पर किसी को भूत का पता नहीं चल सका। यहां तक कि डॉक्टर को भी बुलाया गया और वो भी असफल रहे। फिर उन्होंने टारगेट किया चाचा जी को। एक पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद उन्हें भी यकीन हो गया कि यहाँ भूत है। एक के बाद एक सबको यकीन होता गया कि यहाँ सच में भूत है। काफी परेशानियों के बाद घर वाले स्वामी जी से जाकर मिले और स्वामी जी ने भेजा उनके शिष्य भूतनाथ को। बाहर आते ही उसने सब लोगों को काल्पनिक कहानी सुनाई। इतना सब होने के बावजूद जश्न होने लगा और ये देखकर पद्मा को गुस्सा आया, उसने पेड़ जलाया। स्वामी जी से फिर मिलने के बाद उन्होंने राय दी कि सबको घर छोड़ देना चाहिए। माँ बाप का इमोशन देखकर हमसे रहा नहीं गया और हमने फैसला किया कि हम उस भूत को घर से भगाकर रहेंगे। और जब हम यहाँ पहुंचे तब हमें पता चला कि वो भूत भूत नहीं बल्कि एक इंसान है। हमने ये इरादा बना लिया कि हम उस इंसान को बेनकाब करके रहेंगे। काफी कोशिशों के बाद हमें पता चल गया इस भूतिया कहानी के सूत्रधार स्वामी जी है। और रामैया शास्त्री जी, स्टोरी सही सुनाना। ये सब सच है क्या? तुम बताओगे या मुझे तुमसे बुलवाना पड़ेगा? अभी भी तुम प्यार से पूछ रहे हो, दो लगाओ, चल बोल बोल जल्दी। ए ए सिद्धू, तू भी दो लफा मार। पंडित जी, ये सब क्यों किया आपने? क्या जरूरत थी बताइए। स्वामी जी, हम लोग जीजस को मानते हैं, आप भगवान को मानते हैं, आपने हमारे विश्वास को धोखा क्यों दिया? अरे बताइए ना स्वामी जी। बोलिए, बता, जल्दी बता, बोलिए ना। ठीक है तो मैं बताता हूँ। तुम सब लोग बेवकूफ हो। 90 साल पहले से तुम्हारे घर के अंदर सोना गड़ा हुआ है, सोना गड़ा हुआ है, सोना 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 सोना। ये ऐसे नहीं मानेगा। ए, तुम लोग देख क्या रहे हो? ये पागल हो गया है। एसआई किधर गया? इसे ले जाओ, इसे अरेस्ट करो, ले जाओ इसे जेल में डाल दो। वो भाग रहा है, पकड़ो उसको। ए, पकड़ो उसे। तूने हमारी इंसानियत देखी है, पास आ जा,
तुझे हमारी हैवानियत दिखाएंगे। रिंग मास्टर भी गया, भूतनी भी गई, आप सिर्फ तुझे धूल चटाना बाकी है। आजा। ए सिद्धू, जाओ। स्वामी, सच में उस घर के नीचे सोना है क्या? उग्र नरसिम्हा ने सच में सोना छुपा के रखा था क्या? मूर्ख हो तुम। अरे ना मेरी पत्नी है और ना बच्चे, इस उम्र में सोना मेरे किस काम आएगा? बात तो सही। वो एक बहुत बड़ा रहस्य है।